Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qara Ahmed, and this short video lecture, which is the second lecture of our series in which we discuss about microbiology, is about the scope of microbiology. If we discuss about the scope of microbiology, there are many fields in microbiology which are directly linked with our life. बहुत सारे fields हैं जो हमारे life से relate करती हैं, हमारे life के different areas हैं जिनके ऊपर microbiology का direct impact है. सबसे important impact इसका क्या है? Food and dairy. जितनी भी हमारी रोज़मर्रा की खुराक का और डेयरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें तो दही की इंडस्ट्रीज़ में, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे हैं. इसी तरह मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए हैं, यूज़ हो रहे हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. एग्रीकल्चर और फार्मिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस हियर अबाउट द राइजोपस माइक्रोब्स, जो कि हमारे पास लिग्यूमी फैमिलीज के प्लांट्स के जो रूट्स हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, रूट्स न्यूड्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एग्रीकल्चर और फार्मिंग में. नेक्स्ट वन इज़ द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बहुत सी इसके अप्लीकेशन हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे पास बायो रेमेडिएशन है, जिसमें हम माइक्रोब्स को यूज़ करके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्कार्ड करते हैं. सिमिलरली हमारे पास डिकम्पोजिशन का जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, और इन्वायरमेंट की जो हमें नेचुरल फॉर्म नज़र आ रही है दैट्स बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेसिकली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर सिंथेसिस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी द प्लांट्स, मे बी दे आर एनिमल्स, मे बी दे आर द माइक्रोब्स. और जो हमारे पास मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हमारी पसंद की प्रोडक्ट्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन से जीन उठा के ह्यूमन डीएनए से हम इकोलाई में पुट करते हैं, और इकोलाई हमारी मर्जी की इंसुलिन प्रोडक्शन में मदद देता है. दैट्स अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग. नेक्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ को डिस्कस करते हैं. मीन के इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत सारे यूज़ है. इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारे एसिड्स हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिसमें हम लोग माइक्रोब्स को एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं. अम्यूनोलॉजी. अम्यूनोलॉजी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम के स्टडीज़ को हम अम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं. मीन के जो एंटीबॉडीज़ हैं, WBCs हैं, बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिफरेंट तरह के डिजीज़ के, और जो हमारे पास एक्सटर्नल डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला रहे हैं उसके अगेंस्ट बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरा एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. वी ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग अंडर माइक्रोबायोलॉजी. सिमिलरली मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स, आई ऑल्सो डिस्कस दैट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन्स फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा आर सिंथेसाइज्ड, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इन्वेस्टिगेशनल माइक्रोबायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ को, उनके कॉसेस को, उनके एप्लीकेशंस को, बैक्टीरियल लाइफ साइकिल्स को, उनके इसी तरह या फिर कोई भी हमारे पास माइक्रोब्स है उसके लाइफ साइकिल्स को जो कि ये हमारे पास डिजीज़ काज कर रहा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक डिजीज़ विच इज़ कास्ड बाई एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो डिस्कस अंडर द investigational microbiology. These are the some applications applied in our life, or we can also say that these are the applications of microbiology in
life. That's about the scope of microbiology. I hope you understand about the scope of microbiology in different aspects of our life. Thanks. Please give me your comments as well as subscribe my channel.